आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र की सियासी घमासान के बीच में अमित शाह के कदम जो है अब देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की तरह ही राज ठाकरे के दरवाजे तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। राज ठाकरे से मुलाकात के कयास जो है अब सामने निकल कर के आ रहे हैं और ये मुलाकात होती है तो क्या होंगे इसके मायने, देखिए हमारे इस रिपोर्ट के माध्यम से। शिवसेना में ऐतिहासिक फूट के बाद राजनीतिक तौर पर कमजोर हो चुके उद्धव ठाकरे के सितारे गर्दिश में हैं। इन सब के बीच उनके चचेरे भाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे सूबे की राजनीति में अचानक प्रासंगिक हो गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी राज ठाकरे के आवास पर जाकर मिल चुके हैं। उसके बाद अब चर्चा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी राज ठाकरे से मिल सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 सितंबर को मुंबई आ रहे हैं। इस दौरान वे लालबाग के राजा के दर्शन करेंगे। मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष सेलार के बुलावे पर मुंबई में गणपति के दर्शन करने आ रहे शाह उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर भी जाएंगे। सूत्रों के अनुसार भाजपा और मनसे दोनों दल के नेताओं की तरफ से राज ठाकरे की अमित शाह से मुलाकात के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर वानवकुले ने कहा है कि मुंबई दौरे पर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री किससे मिलेंगे इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। राज ठाकरे से हमारे मित्रवत संबंध है लेकिन BMC चुनाव शिवसेना और भाजपा मिलकर के लड़ेगी। अब देखना यही है कि यहाँ पर क्या कुछ जो है अब नया बदलाव लेकर के आएगा, क्योंकि यहाँ तो साफ हो चुका है कि अमित शाह जो है वो ज़रूर मिलेंगे यहाँ पर मनसे प्रमुख से, लेकिन अगर वो नहीं मिलते हैं तो क्या समीकरण होंगे, और जब मिल लेंगे उनसे और उसके बाद जो साठ गांठ की नीति यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मनसे प्रमुख को पढ़ा करके गए हैं, आखिरकार उसमें तड़का लगाने का काम शाह कर पाए। शाह और फडणवीस और शिंदे की मेहनत जो है वो राज ठाकरे को अपने साथ लेकर के चलने की है, लेकिन यहाँ पर देखा यही जा रहा है कि आखिरकार राज ठाकरे जो है वो अपना क्या फैसला सुनाते हैं। फिलहाल आप लोग को क्या लगता है इस रिपोर्ट को देखने के बाद, आप अपने तर्क हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं और तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।